नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अब हमारे चैनल में आप लोगों को मैंने आयुर्वेद की जानकारी सीखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग विशेष महत्व होता है, अपना एक अलग गुण होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अकरकरा नाम की जो पौधे हैं, जो कि बन कचरे के रूप में हमारे घरों के आसपास में बहुताई मात्रा में पाया जाता, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, जब इसका आयुर्वेदिक लाभ जानेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत सारे बीमारी का खुद स्वयं डॉक्टर बनकर के उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, अकरकरा का नाम बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और दोस्तों जानकारी के अभाव में आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अकरकरा की औषधि और आयुर्वेदिक गुण बहुत ही ज्यादा अनगिनत है। आयुर्वेद में अकरकरा की पाउडर और इसके चूर्ण का प्रयोग पुरुषों के यौन ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं। अकरकरा को सिर दर्द, दांत दर्द, मुंह के बदबू, दांत संबंधी समस्या, हिचकी जैसे अनेकों बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं, और यह बहुत सारे बीमारी का रामबाण तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहे हैं। दोस्तों, चरक संहिता, सुश्रु संहिता, अष्टांग हृदयम, इसमें आपको इसके जानकारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो वनस्पति है उस समय नहीं लिखे गए थे। दोस्तों, जो अकरकरा है, आप यकीन मानिए ये भारतीय पौधा होने के साथ साथ विदेशों में भी इसका खेती करते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, इसका आयुर्वेदिक लाभ सुन लेना। जब आप इसका आयुर्वेदिक लाभ सुनेंगे तो यकीन मानिए ये पौधा आप अपने घर में लगाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हर एक पेड़ पौधा का अपना अलग विशेषता होता है, अपना एक धार्मिक महत्व होता है, अपना एक आयुर्वेदिक महत्व होता है, और केवल एक ही पेड़ पौधे से अगर समस्त बीमारी ठीक होते तो अनेक पेड़ पौधे की जरूरत नहीं थी, और एक ही अगर दवा से बीमारी ठीक हो जाती है तो अनेक प्रकार की दवा बनाने की जरूरत नहीं होते। तो दोस्तों, हर एक पेड़ पौधा का अपना औषधि लाभ होता है। तो दोस्तों, जो ये जो अकरकरा है, ये याद शक्ति बढ़ाने वाला, नाड़ी को बल देने वाला काम, उत्तेजना करने वाला, वेदना कम करने वाला, और अनेकों प्रकार के हृदय संबंधी बीमारी को ठीक करने वाला कहे गए हैं। पक्षाघात, लकवा, अर्धांग लकवा, नेत्र रोग, सिर दर्द, मिर्गी, अनेकों प्रकार की जो बुखार है उसे भी ठीक करने में काम आता है। अकरकरा का वनस्पतिक जो नाम है एनासाइकिल स्पायरेथम, और ये जो अकरकरा है ये ईस्ट्रेशी कुल का पौधा है। ईस्ट्रेशी का जो पौधा, इसमें तीखापन होता, इसे संस्कृत में अकरकरा बकल्लब कहते हैं, इसे उर्दू में अकरकरहा, और इसे कनाडा में अकलकारी कहते हैं, इसे गुजराती में अंकुर करो कहते हैं, इसे इंग्लिश में पेलेटोरी रूट के नाम से जानते हैं। आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर का प्रथम स्वरूप है। जी हां, अब यकीन मानिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होते, जड़ी बूटी नहीं होते, तो क्या आज हम लोग जिंदा होते, जीवित होते? बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों, सनातन से जो चली आ रही है आयुर्वेद, आयुर्वेद अति उत्तम है। आपने देखा होगा, देवता जो है अमृत पीकर के अमर हो गए, तो देवताओं को अमृत कौन दिए? देवताओं को धन्वंतरी जी अमृत दिए, तो अमृत किस प्रकार से बनाए गए? तो अमृत भी जड़ी बूटी के माध्यम से ही बनाए गए हैं। धन्वंतरी महाराज भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है जड़ी बूटी पेड़ पौधे से आज भी व्यक्ति चाहे तो अमर हो सकते हैं, अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं, और बूढ़ा होते तक के अपने आप को यवन बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं अकरकरा की आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग। दोस्तों, वीडियो को आधीच में छोड़ करके मत जाना, हमेशा अधूरा ज्ञान खतरनाक होते हैं, और जानकारी हमेशा काम आती है। ना जाने दोस्तों ये जानकारी आपको कब काम आ जाए। सर्वप्रथम जो अकरकरा है, ये सिर के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़, ये भरी जिंदगी के कारण अगर आपको सिर दर्द की शिकायत हमेशा रहती है, तो अकरकरा का यह घरेलू उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी एवं बेनिफिशियल होते हैं। तो अकरकरा की जड़ या फूल को पीस करके हल्का गर्म करके ललाट पर अर्थात मस्तक पर लेप करने से मस्तक के दर्द अर्थात सिर के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसके प्रयोग से मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। एक बार के प्रयोग के लिए एक फूल या थोड़ा सा फूल इसके पर्याप्त होता है। सर्दी खांसी में है फायदेमंद अकरकरा। अकरकरा के फूल को चबाने से जुकाम के कारण होने वाला सिरदर्द
और मसूड़े के दर्द तथा मसूड़े के सूजन और दांत के दर्द ये जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक गुण होता है। मैं जितने भी आप लोगों को लाभ बताता हूं, इस लाभ को किसी पेन कॉपी में इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को लिख करके रखा करें, आज नहीं तो ये निकट भविष्य में आपको जरूर काम आएगा। अब दांत दर्द ठीक करने के लिए जान लीजिए इसका प्रयोग। अगर दांत के दर्द से परेशान है तो अकरकरा का इस तरीके से आप जो है प्रयोग करें, आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो 10 ग्राम अकरकरा की जड़ या पुष्प में 2 ग्राम कपूर तथा 8 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर के पीस लें और इसका बकायदा आप जो है चूर्ण बना लें। अब इसके चूर्ण को मंजन की तरह आप अपने दांत में मले रगड़े तो कैसा भी आपके दांत दर्द हो, कैसा भी किसी भी प्रकार के दांत दर्द हो, दांत में पायरिया हो, दांत में सड़न आ गए हो, दांत में कैसा भी दर्द हो रहे हो, वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। आपको डॉक्टरी दवा के पीछे नहीं भागना है। जब आपके दांत दर्द हो रहे तो ये दवा एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, जब आपको रिजल्ट ना मिले तब डॉक्टरों दवा की तरफ भागे, अन्यथा एक ही दवा से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, मुंह के बदबू को ये दूर करता है। अकरकरा, माजू फल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च, सेंधा नमक, ये सबको बराबर मात्रा में पीस लें और इसके मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करें तो दांत और मसूड़ों से जितने भी दुर्गंध आती है आपकी मुख की वजह से वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अकरकरा का जड़ या पुष्प, हल्दी तथा सेंधा नमक को ये ले ले, उसे बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और इस मिश्रण में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर के दांतों पर मलने से भी दांत के दर्द ठीक होता है और मुंह से आने वाली दुर्गंध भी जड़ से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको और भी किसी पेड़ पौधा का वीडियो बनवाना है या फिर आपके घर के आसपास में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके आयुर्वेदिक लाभ सीखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में उस पेड़ पौधे का नाम लिखें। आने वाले समय में आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल ही एक जानकारी साझा कर दूंगा। अब आइए इसका और आयुर्वेदिक प्रयोग को ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं। वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। दोस्तों, यह जो है कंठ के स्वर को मधुर बनाने का काम करता है। अकरकरा के चूर्ण को 250 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक सेवन करने से बच्चों की जो कंठ है वह बिल्कुल सुरीला हो जाता है और अकरकरा के मूल या फिर अकरकरा के फूल को मुंह में रख करके चूसने से भी कंठ संबंधित जितने भी रोग होती हैं, कंठ संबंधित जितने भी रोग हो वह धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल ही गला को सुरीला बनाने का काम करता है। हिचकी आने पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हिचकी आने पर आधा से 8 ग्राम अकरकरा की मूल अर्थात इसकी जड़ के चूर्ण को शहद के साथ चाटने से हिचकी को यह जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। आइए जानते हैं यह सांस संबंधी बीमारी को ठीक करने का रामबाण दवा है। और दोस्तों, अधिकतर देखा जाए तो हम खुद देख चुके, अभी के समय में बहुत से लोग सांस संबंधी बीमारी से परेशान रहते हैं, थोड़ा बहुत पैदल चलते हैं या फिर सीढ़ी घर के चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगता है। और दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ यह समस्या अधिकतर लोगों को होती है, तो करना क्या है। सांस संबंधी समस्या में अकरकरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अकरकरा के कपड़छड़ चूर्ण अर्थात कपड़े से छाना हुआ जो चूर्ण है, इसे सूंघने मात्र से श्वास संबंधी बीमारी में लाभ होता है। लेकिन एक दिन नहीं, आपको डेली के सूंघना है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ सांस फूलना एक आम बीमारी है। इसके बाद यह सूखी खांसी से राहत दिलाता है। दोस्तों, अगर मौसम बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है या फिर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आपके सूखी खांसी तो अकरकरा का इस प्रकार से जो है आप प्रयोग करें। 2 ग्राम अकरकरा एवं 8 ग्राम सौंठ का काढ़ा बनाकर के 10 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी भी जड़ से मिट जाती है। और दोस्तों, अकरकरा के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से भी कागज विकार में लाभ होता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा की जड़ के चूर्ण को दोनों को मिलाकर के पीस करके दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, पीड़ा, कंपन और कमजोरी या फिर हृदय विकार संबंधी बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। ये सूखी खांसी के साथ ये पेट के दर्द को भी ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों, अक्सर मसालेदार खाना खाने या फिर असमय खाना खाने से पेट में गैस होना बिल्कुल ही आम समस्या है और इसके कारण पेट के दर्द भी होने लगता है। तो अकरकरा की जड़ का चूर्ण
और छोटी पीपली के चूर्ण को समान मात्रा में लेकर के उसमें थोड़ी सी भुनी हुई सौंफ मिलाकर के आधा चम्मच सुबह शाम भोजन के उपरांत अर्थात खाना खाने के बाद खाने से पेट संबंधी जो समस्या होती है जैसे गैस बन रही है पेट में जो दर्द होता है वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं जो ये अकरकरा है, यह हृदय रोग का रामबाण दवा है। दोस्तों, हृदय संबंधी बीमारी के खतरे को कम करने के लिए आप जो है अकरकरा का प्रयोग कर सकते हैं। हम खुद देखते दोस्तों बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं और अभी के जनरेशन में अगर देखा जाए तो हम सब लोग कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल किसे बोल सकते हैं? जैसे कि हम तैलीय चीजों का खान पान में ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसके कारण दोस्तों हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ती हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ती हैं तो हृदय संबंधी बीमारी होती है। हार्ट अटैक लोगों को आ जाते हैं कम उम्र में, हमने देखे हैं 20 से 25 वर्ष के लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो अगर आप चाहते कि कभी भी आपको हार्ट अटैक ना आए और हृदय संबंधी बीमारी से भी बचे रहें तो दो भाग अर्जुन की छाल और एक भाग अकरकरा की जड़ का चूर्ण दोनों को मिलाकर के पीस ले और दिन में दो बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, दर्द, कंपन, कमजोरी और हृदय संबंधी जो बीमारी होती है जैसे हार्ट अटैक आने का जो खतरा रहता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है। हार्ट अटैक वाले लोग भी अगर इस दवा को करें तो धीरे धीरे उन्हें जरूर लाभ मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुंजन सोंठ अकरकरा की 2 से 5 ग्राम जो चूर्ण है इसे 100 ml पानी में उबाल करके जब 1 से 4 भाग काढ़ा शेष रह जाए तो इस काढ़े को नियमित रूप से अगर पीते हैं तो घबराहट है या फिर नाड़ी छिड़ता है या फिर हृदय संबंधी बीमारी है, शिथिलता है, हृदय संबंधित जो भी रोग हैं वह भी इस उपाय को करने से जड़ से समाप्त हो जाती है। पेट दर्द और बदहजमी को दूर करने के लिए अकरकरा के जड़ के चूर्ण को छोटी पिपली के चूर्ण के साथ समान मात्रा में लेकर के थोड़ी भुनी हुई सौंफ ये मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजन के उपरांत खाने से भी पेट के दर्द संबंधी बीमारियों में खूब लाभ मिलते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अब इधर का जो आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा ये लाभ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अधिकतर हम माता बहनों को देखते हैं मासिक धर्म के जो समस्या आती है इसमें परेशान हो जाती हैं। मासिक धर्म या पीरियड होने के दौरान बहुत तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक चक्र होना, मासिक धर्म के दौरान रक्त का स्राव होना, ब्लीडिंग कम होना, ब्लीडिंग ज्यादा होना, अनेकों प्रकार के माता बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अकरकरा के मूल का काढ़ा बनाएं और 10 ml मूल अर्थात इसके जड़ का काढ़ा बनाएं और 10 ml काढ़ा में छुटकी भर हींग डालकर के कुछ माह तक सुबह शाम पिया जाए तो मासिक जो धर्म संबंधी जितने भी विकार होती है जैसे कि 8 महीने में 2 बार मासिक धर्म आ जाना, बार बार ब्लडिंग होना या फिर सफेद पानी की समस्या आ जाना, इसमें बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेंगे। इससे मासिक धर्म संबंधित जितने भी समस्या है इसमें आपको लाभ मिलेंगे। अधिकांश जो पुरुष है यौन संबंधी समस्या से परेशान है तो अगर आप भी अपने स्टेमिना और पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो 20 ग्राम अकरकरा के जड़ के चूर्ण को आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध में डालकर के पीना शुरू करें। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। साइटिका के दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी अकरकरा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दिन भर बैठ करके काम करने के कारण कमर में दर्द होता है तो अकरकरा के जड़ के चूर्ण को अखरोट के तेल में मिलाकर के मालिश करने से साइटिका के दर्द या फिर हाथ पैरों में होने वाले दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल ही कम उम्र के लोगों को भी देखने को मिल जाते हैं। तो दिन भर एसी में रहने के कारण या फिर एक ही स्थान पर बैठकर के ज्यादा काम करने के कारण कम ही उम्र में अर्थराइटिस की समस्या होना आम बात है। तो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों अकरकरा की जड़ का पेस्ट तथा काढ़े का लेप लगाने के बाद, सिकाई करने के बाद धोने से भी दोस्तों सभी प्रकार के अर्थराइटिस में लाभ मिलता है। ये लकवा तथा नसों की जो कमजोरी है जिसमें खून नहीं दौड़ पा रहे हैं, हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा हो, वह फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है तो हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो दोस्तों, खुजली भी एक ऐसा रोग है जो कि आपको ही बिल्कुल जीवन में कई बार जरूर हुआ होगा। तो
अकरकरा के दुर्लभ प्रयोग बता रहा हूं, जो कि हर प्रकार की खुजली ये सब को ठीक करने का काम करता है। तो अकरकरा किस प्रकार इसका प्रयोग करना है, तो 5 से 7 ग्राम इसके पंचांग का काढ़ा बना ले और जहां पर खुजली है वहां पर सुबह शाम धोना शुरू कर दे। केवल 15 दिनों के भीतर में न समाप्त होने वाला दाद भी ठीक हो जाएगा और जो खुजली है 4 से 5 दिनों के भीतर में जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अकरकरा का प्रयोग अल्सर के बीमारी को भी ठीक करने के लिए करता है। दोस्तों, अकरकरा के मुलार का जो मूल के चूर्ण है, इसके जो अर्क है, इसे घाव पर या फिर इसके पाउडर को घाव के ऊपर में लगाने से दोस्तों बहुत जल्दी भर जाता है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके घाव जल्दी नहीं भरते, तो इसके जड़ का पाउडर बना लीजिए, धूप में सुखा करके और संक्रमित स्थान पर लगाइए। बिल्कुल ही जो घाव वहां पे लगाइए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ये संक्रमण की संभावना को भी रोकता है, अर्थात ये संक्रमण फैलने नहीं देता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिर्गी की बीमारी को भी ठीक करने के लिए आप जो है अकरकरा का प्रयोग कर सकते हैं। अकरकरा के फूल या जड़ को सिरके में पीस करके मधु मिला ले, मधु अर्थात शहद मिला लें और 5 से 10 ml की मात्रा में अगर आप चाटना शुरू करते हैं। ब्राह्मी के साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी भी एक प्रकार की जो पौधा है, इसके पाउडर आते हैं, इसके जड़ का चूर्ण आते हैं, इसके पंचांग का चूर्ण आते हैं, वह आप ले सकते हैं। अगर चाटना शुरू करते हैं तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, या फिर इसके अकरकरा की जड़ का काढ़ा भी बना करके अगर पिया जाए तो मिर्गी का वेग रुक जाते हैं। दोस्तों, मिर्गी जिसे आता है दोस्तों उनके जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप जो है अकरकरा का प्रयोग कर सकते हैं। 2 प्रयोग और बताऊंगा। दोस्तों, हमारे घर परिवार में बहुत सारे ऐसे जो छोटे बच्चे रहते हैं जो कि हकलाते हैं, तो हकलाना ठीक करने के लिए भी अकरकरा का प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम अकरकरा के जड़ के चूर्ण और 1/8 भाग काली मिर्चा और 3 भाग बहेड़ा का छिलका इसे लेकर के पीस लें और इसमें दोस्तों 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसे पीस करके सबको इकट्ठा कर लीजिए, पाउडर जैसा बना लीजिए और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ बच्चे को चटाए तो दोस्तों हकलाने की समस्या दूर हो जाता है। या फिर एक काम जरूर करना, एक उपाय और सुन लीजिए, जिह्वा पर जो अकरकरा की जो पुष्प होते हैं इसका सूखा पाउडर बना लीजिए और छोटे बच्चे के जीभ पर मल्ले तो 4 से 6 हफ्ते बीच में जो बच्चे हकला करके बोलते हैं वो बोलना दूर कर देंगे। दोस्तों, अब अकरकरा का रामबाण दुर्लभ प्रयोग बता दूं, जो कि लकवा की बीमारी में काम आता है। दोस्तों, अकरकरा के जड़ को पीस करके महुवे के तेल या तिल के तेल में मिलाकर के प्रतिदिन मालिश करने से, या फिर अकरकरा की जड़ के चूर्ण को 500 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक मधु के साथ सुबह शाम चाटने से पक्षघात की जो बीमारी है, लकवा की बीमारी, उसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं और नियमित रूप से अगर लंबे समय तक ये उपाय किया जाए तो बिल्कुल ही लकवा की बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। या फिर दोस्तों, चेहरे की जो पक्षाघात है अर्थात चेहरे की जो लकवा है उसमें दोस्तों 10 से 20 ml इसके काढ़ा बनाकर के प्रतिदिन पिया जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं और यह पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। जी हां दोस्तों, अकरकरा के 1/2 ग्राम इसके पाउडर को मार्केट में इसके पाउडर मिल जाएंगे। 1 गिलास गुनगुने गर्म दूध में डालकर के पिया जाए तो बिल्कुल ही दोस्तों ये स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। अकरकरा का जो उपयोगी भाग है फूल, पंचांग, जड़, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं अकरकरा कहां पाया जाता है, तो दोस्तों मूल रूप से जो अकरकरा है भारत के बहुत से स्थानों में मिल जाती है, इसकी खेती भी होता है। वर्षा ऋतु के प्रथम फुहार पड़ते ही दोस्तों छोटे छोटे जो यह अकरकरा के पौधे निकल जाते हैं, ये बिना उगाए ही आपको अपने घरों के आसपास में ग्रामीण इलाकों से है बिल्कुल ही मिल जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकरकरा के जो ये आयुर्वेदिक लाभ बताया हूं, ये लाभ आपकी जीवन में एक बार जरूर काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के और भी पेड़ पौधे की जानकारी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर फिर भी सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ एवं आयुर्वेद